समाज की ये शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है। साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट है जो लोकल हैं, लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट पारंपरिक रूप से बनाते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्व को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। और इसलिए ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आप लेके आए हैं, उसे मुझे एक व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है मेरे लिए। यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद मेरे एक संकल्प के विषय में पता होगा, क्योंकि ये संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सीधा बेनिफिट शायद न दिखता हो, लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को, 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो, हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है। इसमें आप जैसे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोकल सप्लाई चेन को, हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है, उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो,
हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। हम 15 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर साल इंपोर्ट करते हैं। कोयला प्रधान देश होते हुए भी हम 4 लाख करोड़ का कोयला हर साल इंपोर्ट करते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में दलहन और तिलहन इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ये पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा। साथियों, आज हम न्यूट्रिशन के नाम पर, और मैं तो देखता हूं किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के यहां भोजन के लिए चले जाइए, उसके डाइनिंग टेबल पे भांति भांति की चीजें पैकेट पड़े होते हैं विदेशों से आए हुए, और वो पैकेज फूड का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं, जबकि हमारे देश, और उस पर लिख दिया कि प्रोटीन रिच है खाना शुरू, आयरन रिच है खाना, कोई इंक्वायरी नहीं करता, बस लिखा है हो गया, और मेड इन फलाना देश है बस मारो थप्पा। अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूड है जो कहीं अधिक न्यूट्रिशियस है। हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। यही उत्तराखंड में ही ऐसे आयुष है जुड़े ऑर्गेनिक फल सब्जियां जुड़े उत्पादों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। एक किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। पैकेज फूड के मार्केट में भी हमारी छोटी कंपनियों को, हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मैं समझता हूं कि आप सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथियों, भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए, भारत निवेशकों के लिए ये मैं समझता हूं अभूतपूर्व समय है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले तीन में होके रहेगा। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है। मैं आपका आह्वान करूंगा उत्तराखंड के साथ चलकर अपना भी विकास करिए और उत्तराखंड के विकास में भी सहयोगी जरूर बनिए। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे यहां सालों से कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है अब पहाड़ की जवानी
पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं, नीतियों का फायदा उठाइए। सरकार नीति बनाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हर एक के लिए खुली होती है, जिसमें दम हो वो आ जाए मैदान में, फायदा उठा ले। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं, उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है। और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को घर बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसे कुछ लौटाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आइए इस पवित्र धरती की चरण माथे पर लेकर के चल पड़िए। आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, ये इस भूमि के आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका संकल्प